प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार जारी है। प्रदेश के 12 जिलों से बुधवार को 74 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं राजधानी जयपुर में 3 संक्रमित महिला मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार भी सजग और संवेदनशील है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेते हुए उनकी जाँच करवा कर ही हम कोरोना को मात देने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में लगभग 1,00,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और प्रदेश में अब रोजाना 6,500 से ज्यादा जांचों की क्षमता विकसित की जा चुकी है। पूरे देश में इतने व्यापक स्तर पर सैंपल और जांच करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। आगे मंत्री रघु शर्मा ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना को मात देने के सभी प्रयास कारगर साबित हो सके। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश भर में 13 RT-PCR की मशीनों के जरिए व्यापक स्तर पर जांचें की जा रही हैं। डूंगरपुर में 3, उदयपुर में 4, बीकानेर और बाड़मेर में 1-1 और भरतपुर व कोटा में 2-2 मशीनें भेजी गई हैं। इनमें डूंगरपुर की 3 और उदयपुर की 2 और बीकानेर की 1 मशीन के जरिए जांच का कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि जांचों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्री रघु शर्मा ने आगे बताया कि ICMR ने भीलवाड़ा को अनुमति दे दी है और वहाँ जाँच का कार्य शुरू हो गया है। RUHS में 250 जांच प्रतिदिन होना शुरू हो गया है और वहां इसका दायरा बढ़ाकर 10,000 जांच प्रतिदिन की जाएगी। जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 के लिए ऑर्डर किए जा चुके हैं। इनके आने के बाद जांचों का दायरा 3,000 से 4,000 प्रतिदिन और भी बढ़ जाएगा। अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,556 हो चुकी है। इनमें से 836 कोरोना प्रभावित पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो चुके हैं एवं 592 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में लगभग 1,00,000 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है, जिनमें से 96,325 की जाँचें नेगेटिव रही हैं और 4,823 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि 12,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती का मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने से अटका हुआ था। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की राह आसान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी को नियुक्ति देने के निर्देश दिए। ऐसे में लगभग 9,000 ANM और GNM को नियुक्ति भी दे दी गई है। इससे पहले 735 चिकित्सकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। CM गहलोत के निर्देश पर 2,000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों और मॉनिटरिंग के चलते राजस्थान जांच सुविधाओं विकसित करने, सैंपल ज्यादा लेने, पॉजिटिव से नेगेटिव करने, संक्रमण की गति को नीचे लाने सहित कई विषयों में अव्वल रहा है। मंत्री शर्मा ने आगे कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जिस जज्बे से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी का परिणाम है कि कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। CM गहलोत के निर्देश पर प्रदेश के भी जिला मुख्यालयों पर जांच की सुविधाओं को बढ़ाकर वहां के चिकित्सकीय आधारभूत ढांचे को विकसित करने का काम किया जा रहा है। सभी कलेक्टर्स को चिकित्सा संस्थानों में जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का खाका तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हुए हैं, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी बीमारी का सामना राजस्थान आसानी से कर सके। बता दें, राजस्थान के 28 जिलों में अब तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में गुरुवार दोपहर तक जयपुर में सर्वाधिक 899, जोधपुर में 496, कोटा में 194, अजमेर में 150, टोंक में 134, नागौर में 118, भरतपुर में 111, बांसवाड़ा में 64, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 40, बीकानेर और भीलवाड़ा में 37, जैसलमेर में 35, दौसा में 21, चित्तौड़गढ़ में 19, चूरू में 14, पाली और धौलपुर में 12, हनुमानगढ़ में 11, सवाई माधोपुर, उदयपुर और अलवर में 8, डूंगरपुर और सीकर में 6, करौली में 3, प्रतापगढ़ और बाड़मेर में 2-2, राजसमंद में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। बुधवार को कोरोना के संक्रमण के चलते राजधानी जयपुर में 3 और महिलाओं की मौत हो गई। जयपुर की 55 वर्षीय रामगंज निवासी महिला, जौहरी बाजार निवासी 55 वर्षीय महिला सहित 67 वर्षीय सुभाष चौक निवासी महिला की कोरोना के कारण मौत हो गई। इस तरह जयपुर में अब तक 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 55 पर पहुंच गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।